आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल श्रूट थिंकर पे। इन लोगों ने इंग्लिश में बोल दिया था तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। कोई सेंसेस बात करते हैं। ओके, सो एनीवेज आज हम लोग एक रिकमेंडेशन लेकर के आए हैं। अच्छा, दिस इज फ्रॉम वीरेंद्र सिंह, राइट? यस, दिस इज फ्रॉम वीरेंद्र सिंह। ठीक है, ये इंडियन हैकर के एडिटर है। ठीक है, समरिया। तो इनका एक रिकमेंडेशन है और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि हाउ दीज बिग यूट्यूबर्स हाउ डू दे एडिट द वीडियो कंटेंट। ये बड़ी अच्छी बात कही और ये हम लोगों के लिए सीखने की बात है, आप लोग भी सीख सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं कि किस लेवल पे एडिटिंग किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है उनके ये एडिटर हैं तो ही विल बी अ वेरी गुड एडिटर एंड लेट्स ट्राई टू लर्न कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स वी कैन लर्न अबाउट एडिटिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीरेंद्र सिंह की वीडियो पे जो के है एडिटर ऑफ इंडियन हैकर के नाम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, ये काम आसान है? लग जाएंगे भाई, वो भी अच्छे वाले। तो चलो शुरू करते हैं, बाहर जाएंगे। तो भाई लोगों, ये कहानी है मिस्टर इंडियन हैकर के एडिटर्स की। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे कि मैंने कितनी स्टडीज़ करी है, मैं कितने टाइम से एडिट कर रहा हूँ, मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को एडिट और अच्छा दिखाने के लिए। चलो शुरुआत करते हैं नंबर एक से कि मेरे को कितना टाइम हो चुका है एडिटिंग करते हुए। मेरे को लगभग 5 साल हो गए हैं, जिसमें से कि मैंने 3 साल प्रोफेशनली एडिटिंग करी है एक अच्छे ब्रांड अच्छे चैनल पे, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस एडिट करी हैं, मैंने कभी गिना नहीं, बट वो था। और जो सिंपल सा आंसर है ये है कि मैंने 5 साल हो गए मुझे एडिटिंग करते हुए। और जो सेकेंड क्वेश्चन है कि मैंने स्टडीज़ कितनी करी है, कि मेरी कितनी पढ़ाई है, भाई एक सच्चाई बात बताऊँ, दिल से बात बता रहा हूँ आपको कि स्टडी मैटर नहीं करती। ये हम लोग का भी रिएक्शन हो गया था। नहीं भाई, स्टडी मैटर करती है, बट स्टडी से ज़्यादा भी कुछ मैटर करता है। स्टडी से ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, करेक्ट, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप उस पर दे रहे हो। वो स्टडीज़ का क्या सीन है कि आप शुरुआत में थोड़े स्लो रहेंगे, फिर जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती जाएगी और आप 1 घंटे के काम को 10 मिनट में कर सकते हो, ठीक है? तो वो होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करना। आज के 5 साल पहले मैं किसी फ़ोटो का एडिट करता था ना, तो मेरे को दिन लग जाते थे, एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, बट अब मैं 10 मिनट में भी कर सकता हूँ। तो ये बातें हैं, ये डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी पे, आपके एक्सपीरियंस पे। मैं केवी पास आउट स्टूडेंट हूँ केंद्रीय विद्यालय, और काफ़ी मज़ा आया पढ़ने में, केवी के स्टूडेंट लाजवाब होते हैं। कंप्यूटर का बड़ा शौक था, कीड़ा था कंप्यूटर का, गेम खेलते थे, भाई का गेमिंग चैनल भी था बहुत टाइम पहले, अभी तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में ज़रूर खोलेंगे एक गेमिंग चैनल और काफ़ी मज़े करेंगे। जो अपनी टाइटेनियम आर्मी है उसके साथ भी गेम खेलने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी फन होने वाला है। और फिर उसके बाद जब मैंने गेमिंग चैनल खोला, ये सब करा, तो मुझे YouTube का बड़ा चस्का लगा कि YouTube पे अपने को कुछ करने का है। अब YouTube पे क्या चीज़ें होती हैं, YouTube पे आने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले तो एडिटिंग आनी चाहिए भाई, और मेरे को कैमरा फियर था, जैसे आज मैं बोल पा रहा हूँ वैसे आज के समय पहले मैं नहीं बोल पाता था, तो मेरे को कैमरा फियर बहुत ज़्यादा था। और भाई क्रो और चिल्ला ले यार तू, हाँ तो इसका आवाज़ आप इग्नोर करिएगा। तो मेरे को कैमरा फियर था, अभी धीरे धीरे समय के साथ कैमरा फियर भी निकल चुका है। काफ़ी अच्छा लगता है बात करना, ऐसा लगता है कि अपन कनेक्ट हो रखे हैं, और जो टाइटेनियम आर्मी इतना प्यार और सपोर्ट बना के रखा है, बहुत ही मज़ा आता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीम मिस्टर इंडियन हैकर के साथ वो रह रहा है, बहुत ही प्यारा है, मज़ा आ गया। गेमिंग के अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड था, तो मैंने क्या करा कि मैं गेमिंग कोर्सेज़ देखने लग गया। मैं BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और फिर मैं गया गेम डेवलपमेंट के अंदर, गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर। मेरे को गेमिंग का बड़ा शौक था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना खुद का ही गेम बनाया जाए। तो उस टाइम पर PUBG बड़ा चला करता था, PUBG का एकदम बिगिनिंग क्रेज़ स्टार्ट ही हुआ था, तो मेरे को PUBG बड़ा खेलने का शौक था। मैंने COC खूब खेला है, मेरा जो लेवल था COC पे वो 150 के लगभग था, काफ़ी दमदार टाउन हॉल 11-12 था, अभी भी है वो ID, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, देखा नहीं काफ़ी टाइम हो गया।
तो गेम खेलने और खेलने से ज़्यादा मुझे बनाने का शौक था, तो मैंने बनाया, मैंने छोटा सर्वे सब टाइप का भी बनाया, अभी तो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वैसे चीज़ें बनाई। और मैंने स्टडी करी एफएक्स स्कूल मुंबई अंधेरी, मैं वहाँ पे गया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का भी रहा, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं लास्ट के 3 महीनों में वहाँ से ड्रॉप आउट कर गया और अपने घर आके एज अ फ्रीलांसर मैंने वर्क करना चालू कर दिया। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आज काफ़ी ज़्यादा काम मिलता गया और सबके प्यार और सपोर्ट ने मेरे को यहाँ तक लेके आ गया। अब मैं बात करूँ कि मैंने भाई कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें या फिर मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस, इंडियन हैकर की वीडियोस और थंबनेल्स बनाने के लिए, और काफ़ी सारी थंबनेल्स मैंने बनाई है। मैंने 3 से 4 चैनल पर भी वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि इंडियन हैकर हो गए, टाइटेनियम हो गया, ब्लॉग्स हो गए, शॉर्ट्स हो गया, तो ये सारे चैनल्स थे जिन पर मैंने वर्क करा है। तो भाई लोग अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है पूरा एडोब का क्रिएटिव सूट, ठीक है, जिसमें फ़ोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो मेन है, बाकी को अपने को ज़रूरत इतना पड़ता नहीं है क्योंकि वो हमारी फील्ड से थोड़े से अलग है, अपने को वेब डिज़ाइन नहीं करने का है, एनिमेशन नहीं करने का है, तो वो सारी चीज़ें अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो करंटली मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और उसके अलावा भी मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि फाइनल कट है और दाविंची रिजॉल्व है, आपने नाम सुना होगा, दाविंची मैंने खूब यूज़ करा है क्योंकि वो फ्री था, और उससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं मैंने जो कि 3D के अंदर हैं, जैसे कि ब्लेंडर हो गया, ठीक है, ज़ब्रश हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी मैंने यूज़ करे हैं। और आपने जो इंडियन हैकर के लोगोस देखे होंगे वो मैंने बनाए हैं, तो काफ़ी एक बड़ा मज़ा आता है ना वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों में मेरे को करने में आता था। तो ये था कुछ सॉफ्टवेयर्स जो मैंने यूज़ करे हैं और अभी भी मैं कर रहा हूँ, ब्लेंडर पर फिर से आने वाला हूँ, तो आपको उससे भी रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम के अंदर। और अब बात करते हैं कि मैंने कितनी वीडियोज़ एडिट करी हैं, तो सच्ची बात बताऊँ ना तो मेरे को ध्यान ही नहीं है अभी मैंने कितनी वीडियो एडिट करी है। मेरे को 3 साल तो प्रोफेशनली वर्क करते हुए हो गए, तो मैंने कभी काउंट नहीं करा कि मैंने कितनी वीडियोस एडिट करी हैं। अच्छा खासा अमाउंट मैंने एडिट करा है, थंबनेल्स भी मैंने बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में एडिट करी हैं, जो भी मेरे को पिछले टाइम से देख रहा है वो जानता ही होगा कि मैंने क्या क्या काम करा है, और जो काम पोस्टेड है चैनलों पर आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा किन किन चैनलों पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन और है कि क्या चीज़ें शूट करना, क्या चीज़ें मेरे को पसंद है, मतलब मज़ा आता है उन चीज़ों में मेरे को करने में। एक तो है भाई कार्स, गाड़ियों का बड़ा शौक है मुझे, गेम्स में भी गाड़ियाँ भगाते रहते दौड़ाते रहते, तो कार्स की जो एडिटिंग है ना मज़ा आ जाता है उसमें, और एडिटिंग से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है व्लॉगिंग के अंदर। भाई व्लॉगिंग भी बढ़िया चीज़ है, उसके अंदर मैं अपनी स्टोरी भी टेल कर देता हूँ, मेरे को एडिटिंग दिखानी होती है मैं एडिटिंग भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने सफ़ेद वाली गाड़ी देखी होगी, तो सफ़ेद वाली गाड़ी मैंने बनाई थी, तो काफ़ी मज़ा आया उसमें, टीम के साथ मिलके काम करा, एक टीम वर्क होता है, बहुत ही प्यारा बहुत ही मज़ेदार था। ब्लैक वाली कार की आपने एडिटिंग देखी होगी, मस्टैंग की आपने देखी होगी, काफ़ी सारी थंबनेल्स आपने देखी होंगी जो कि बिल्कुल अलग अलग है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको रख दूँगा, जैसे कि ये हो गई, एक ये भी देख लो आप और ये वाली भी देख लो, तो ऐसे करके इन सारी तरह देख के मैंने काफ़ी सारी एडिट करी हैं, तो बहुत सारी करी हैं एडिट, कभी ऐसे गिनती नहीं रखी ये था। और अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अकेले अकेले वीडियो शूट कर रहे हो क्या, नहीं भाई अकेले अकेले वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बंदा है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट कूट कूट के भरा है भाई, कूट कूट के भरा है, बस दिखाने की कमी है। और टाइटेनियम आर्मी का सपोर्ट रहेगा और प्यार रहेगा ना, तो ये टैलेंट आपके सामने दिखाएंगे। तो भाई कैमरे के पीछे जो बंदा बैठा है उसको भी मैं बुलाना चाहूँगा, आ जाओ भाई भूपिंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप जानते होंगे कि हम कौन हैं और हमने क्या क्या करा है, बड़े खुराफाती हैं और काफ़ी वीडियोस हैं। एक भाई ने वीडियो भी डाली थी, तो वो थंबनेल इन भाई ने एडिट करी थी, ठीक है वो मैंने नहीं करी थी, वो इन्होंने एडिट करी थी, हम दोनों ही एडिटर हैं और ब्रदर की तरह हैं, भाई की तरह हैं, हमने हमारा काम शेयर करा है आपस में, हमारी स्किल्स शेयर करी हैं आपस में, जो कि काफ़ी अच्छी रही है। और शेयरिंग इज़ केयरिंग, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, एक बात है जो कि जब मैं अमित भाई के पास था तो अमित भाई को भी मैंने कही थी, ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा,
ठीक है, छुपा के रखोगे ना तो नहीं बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों भाई भूपेंद्र? बिल्कुल ठीक है। तो ये है भूपेंद्र, मैं हूँ वीरेंद्र, और आप जो देख रहे हो वो हमारी टाइटेनियम आर्मी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे कुछ सीन था, ऐसे ये हैं हम। भूपेंद्र के बारे में आपको कभी डिटेल में और बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ओके गाइस, तो ये था हमारा रिएक्शन इंडियन हैकर एडिटर वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र भाई ने एक बात बोली लास्ट में कि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक आख हम लोगों को थोड़ा एग्जांपल दिखाएंगे एडिट करके, पर ज्ञान उन्होंने बांटा नहीं। तो मैं वेट कर रहा हूँ उनके वीडियो का कि उसमें वो ज्ञान बांटे हम लोगों को, एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, बिकॉज ही इज़ डूइंग इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो काफ़ी कुछ उनको एक्सपीरियंस है, और मुझे कोई खास अपना एक्सपीरियंस है नहीं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये दोनों मेरा राइट और लेफ्ट में है, ठीक है। एंड होपफुली दे विल बी डूइंग मल्टीपल एडिटिंग्स, एंड लेट्स सी। और इन्होंने कहा कि 3-4 चैनल पे ये काम कर रहे हैं एक साथ, 4 चैनल ठीक है, थंबनेल सारा कुछ इनके हाथ में है, जैसा कि इन्होंने इनकी बात से मुझको लग रहा था। तो हो सकता है गाइस के ज़रूर आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से एडिटिंग वगैरह के बारे में, और हम लोगों को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, और इन्होंने रिकमेंड किया था, इनका रिकमेंडेशन आया था, तो इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो पे किया। तो होपफुली गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो है क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके okay? हम तीनों का नाम है ओके okay, ये हम तीनों का नाम नहीं है, ये हम लोग तीनों का रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड तो इसी तरह आप लोग वीडियोस रिकमेंड करते रहिए, एंड वी विल कीप कमिंग ऑन विद रिकमेंडेड वीडियोस ऑफ योर चॉइस, एंड थैंक यू, बाय बाय।